जय सियाराम दोस्तों, मैं अंकुश बर्मन और आप लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज है 26 फरवरी। अगर आप बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं तो डेट बदल गई है। आज ही के दिन मैंने 2 साल पहले 26 फरवरी को ही अरे इस चैनल में पहला ड्राइंग वीडियो मैंने अपलोड किया था। वैसे तो ये चैनल उससे पहले भी था, उसमें मैंने पहले मैं कुछ अलग वीडियो डालता था, तो उस छोड़ के मैंने पहला वीडियो जो है ड्राइंग का, जो मेरे चैनल का पहला वीडियो, वो भी आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगी। आप चाहें तो देख सकते हैं। तब से लेकर इन 2 सालों में मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और मेरा जो भी आर्टवर्क्स हैं इन 2 सालों के अंदर जो मैंने ड्रॉ किया है वो भी आप लोगों को रियली दिखाते जाऊँगा। और मैंने स्टार्टिंग में जब ड्रॉ करता था तब मैं पहले A4 साइज में एक सेम टू सेम साइज में एक रेफरेंस फोटो प्रिंट करवा जेरस करवा लेता था, और उसी के ऊपर मैंने ग्रिड बना के और इस तरह से ड्रॉ करता था। तो अभी जब स्टार्टिंग में मोबाइल ना हो तो आपके पास, तो आप इस तरह से रेफरेंस फोटो को जेरेक्स करवा भी सकते हो A4 साइज में। उसको सेम टू सेम साइज में आप पेपर ले लो और उसी के ऊपर ड्रॉ करते रहो। ये भी आसान तरीका है आपको स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए। तो मैं ऐसा करता था। मेरे पास जितना भी स्केच बुक है जिसमें मैंने ड्रॉ किया है अभी तक, तो ये रहा, यह इतना कुछ बुक है मेरे पास। तो यह सबसे पुराना, इसी में मैंने स्टार्टिंग किया था अपने ड्राइंग चैनल के लिए ड्रॉ करना। उसके बाद एक एक करके ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से बहुत सारे और कुछ आर्टवर्क था। वो मैंने कमीशन आर्ट भी था कुछ, वो भी तो कमीशन चला गया, और कुछ आर्टवर्क भी है। तो पहला मैं अपना आर्टवर्क दिखाता हूँ जो मैंने पहला इस चैनल में ड्रॉ किया था। तो ये है मेरा पहला आर्टवर्क जो मैंने अपने चैनल के लिए अपलोड किया था। इसी ड्राइंग को मैंने पहला वीडियो मैंने इसी का एवर बनाया था, तो आप लोग देख सकते हैं। वो वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी, मैंने पहले बताया, और डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक आप लोगों को दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ करता था, ग्रिड, बिना ग्रिड के ही। लगभग 1 साल तक तो मैंने बिना ग्रिड के ही ड्रॉ किया। उसके बाद मैंने मुझे ड्राइंग का जो ये स्केच ड्राइंग का जो ख्याल कहाँ से आया, वो मुझे आया पहले 2 साल पहले जो सुभाजीत मंडल आर्ट, उन्हीं से ही मुझे इंस्पिरेशन मिली। मुझे लगा कि मैं भी क्यों ना ट्राई करूँ ऐसे स्केच ड्रॉ करना। मुझे वहीं से प्रेरणा मिली और तभी से मैंने ड्रॉ किया। और इससे पहले भी मैंने कुछ आर्टवर्क ड्रॉ किया था उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसके बाद फाइनल मैंने वीडियो शूट किया इस ड्रॉइंग से। अब दिखाते जाऊँगा एक एक करके आप लोगों को। उसके बाद ये भी रहा, यह सब ड्रॉ करता था, ये सब इस तरह से का आर्ट है। ये रहा। तो ये मेरा पहला स्केच बुक जो मैंने वीडियो के लिए, वीडियो में ड्राइंग करने के लिए खरीदा था। तो मेरे पास ये है दूसरा स्केच बुक जो मैंने पहले वाले स्केच बुक ख़त्म करके इसमें ड्रॉ करने का स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैं एक एक करके आप लोगों को आर्टवर्क दिखाऊंगा। तो पहला आर्टवर्क ये रहा, ये देखते जाइए मैं क्या क्या आप लोगों को दिखाते जाता हूँ। ये है सोम्स आर्ट, तो मैंने पहले बना था, 1 साल पहले वाला आर्टवर्क है मेरा। ये स्केच बुक हो गया ख़त्म। अब हम दूसरा वाला दिखाते हैं जो मैंने इसके बाद दूसरे पेपर में ड्रॉ करना स्टार्ट किया, उस आर्टवर्क है। तो ये मैंने, तो जो मेरा पहला वीडियो, यही वीडियो वायरल हुआ था जो इसको मैंने ड्रॉ किया था। अभी भी ये वीडियो चल रही है यूट्यूब में, आप लोगों को अगर पॉपुलर वीडियो देखेंगे तो ये ड्रॉइंग आपको देखने को मिल जाएगी। ये रहा, अब दूसरा बार मैंने इस रेफरेंस फोटो को ड्रॉ किया था नीरज चोपड़ा जी का। दूसरा पेपर दिखाता हूँ। यहाँ पे जितना भी आर्टवर्क है सभी आर्टवर्क, लगभग आर्टवर्क्स मैंने आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए ही बनाया था। इस दिन पहले ही आर्टवर्क ड्रॉ किया था। ये श्रीला प्रभुपाद जी का पहला स्केच जो मैंने पहली बार ड्रॉ किया था। तो इस स्केच को मैंने जो है, इसका वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। माचिस के स्टिक से मैंने ड्रॉ किया था, उसे जला के उसका जो राख बचती है उससे मैंने इस तरह से जो है इसे ड्रॉ किया। उसके बाद ये रहा, ये है लता मंगेशकर जी, ये मिल जाएगी वीडियो में। तो ये भी ख़त्म हो गया। अब हम दूसरा पेपर दिखाते हैं आपको। कलरिंग ड्रॉ करना मैंने इस पेपर में पहले स्टार्ट किया, पहले मैं ग्रेफाइट पेंसिल से ही ड्रॉ करता था जो आप लोगों को देखने को मिला है। उसके बाद मैंने 1 साल बाद ही कलर पेंसिल से ड्रॉ करना स्टार्ट किया। और यह दूसरा वाला, तो आप यहाँ दोस्तों जितने प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका ड्राइंग धीरे धीरे उतना ही इम्प्रूव होता जाएगा, जिस तरह से मुझे लगता है मेरा इम्प्रूव हो रहा है। तो ये रहा, ये ही, और ये, और ये, इससे भी
तो ये कुछ दिन पहले जब द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत के राष्ट्रपति बनी हैं तो उन्हीं दिनों मैंने ये ड्रॉ किया है, दिन पहले ही। ये रहा, ये मैंने पहले आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए ड्रॉ किया था, तो ये भी ख़त्म। तो ये है हमारे घर के जो नाना नानी हमारे हैं अपने, तो इनका स्केच भी मैंने ड्रॉ किया था एक साल पहले का है ये। इसके बाद ये जो है वाटर के भीगे हुए बच्चे, जो मैंने जितना भी आज तक दिखा रहा हूँ आपको, हर एक वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगी, आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद ये रहा, ये रहा बी आर अम्बेडकर, भोलेनाथ है माई फेवरेट, जो है कृष्णा भगवान जी का स्केच, जितना भी मैंने अब तक के स्केच ड्रॉ किया है ये मेरा अभी तक का फेवरेट ही है। श्री राम, विवेकानंद, गणपति, हमारे अनुरुद्धाचार्य महाराज जी जिनका स्केच मैंने 3 साल में ही ड्रॉ किया है। यह है श्रीला प्रभुपाद, तो ये स्केच है, इसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगी जो मैंने स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल अपलोड किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये है बजरंगबली, पंचमुखी बजरंगबली, और इस स्केच में फाइनल लास्ट आर्टवर्क ये है, अभी ख़त्म हो गया ये स्केच बुक। ये रहा एक, ये हमारी राधा रानी, इसको मैंने लगभग जब मेरे 500 सब्सक्राइबर से पहले मैंने इसे ड्रॉ किया था। ये रहा, यह हंसराज रघुवंशी, नरेंद्र मोदी जी का 3री बार ड्राइंग, जब मैंने 3री बार ट्राई किया था। तो ये है रामदेव बाबा जी, जो जिसे मैंने कुछ दिन पहले ड्रॉ किया था, 3-4 महीने पहले मैंने स्केच को ड्रॉ किया था। यह अनुरुद्धाचार्य महाराज जी का स्केच, रतन टाटा, ये हमारे श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जी का, और ये फिर से अनुरुद्धाचार्य महाराज जी का स्केच। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने सबसे ज़्यादा अभी तक स्केच अनुरुद्धाचार्य महाराज जी का ही ड्रॉ किया है, अभी जो मैंने रिसेंटली ड्रॉ किया है ये। ये रहा, यह है फाइनल, और भी बहुत सारे आर्टवर्क है पर लोगों को इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, और आप कमेंट करेंगे तो शायद आगे दिखा सकता हूँ। तो ये है मेरा सबसे फेवरेट आर्टवर्क, जिसे मैंने फ्रेम में भी बनवा लिया है। तो इस रेफरेंस फोटो को मैंने इससे मैंने ड्रॉ किया है जब हमारे चैनल में, इस चैनल में 500 सब्सक्राइबर जब कम्प्लीट हुआ था, तो मैंने इसके हमारे चैनल का नाम भी चेंज किया और इस रेफरेंस फोटो को मैंने ड्रॉ किया। तो यही था कुछ मेरा आर्टवर्क जो मैंने दिखाया 2002 साल के बीच, मेरे जितना भी एक्सपीरियंस और जितना भी आर्टवर्क मैंने दिखा दिया। तो आई होप लोग वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को चाहे तो लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तो जय सियाराम।